हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी एक्सप्रेस, जहाँ हम डिस्कस करते हैं कि मूवीज़ का आउटकम क्या रहा बॉक्स ऑफिस के ऊपर। और बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स अब हमारे सामने हैं कि मॉन्स्टर भैया बोलते हैं कि आई जस्ट लव नंबर्स, बिग नंबर्स, और मुझे तो छोटे मोटे नंबर से आपको मतलब कर। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी एक्सप्रेस, जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स। और बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आ रहे हैं KGF चैप्टर 2 का, जिसने माइंड ब्लोइंग बिजनेस करते हुए RRR को भी पीछे छोड़ दिया है। इसका जो क्रॉस इंडिया नंबर है वो है 910 करोड़ 22 दिन के एंड होते होते, जबकि RRR का जो नंबर था वो था 898 क्रॉस, वो भी 900 करोड़ तो क्रॉस कर जाएगी। लेकिन अब जो सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसर है वो है KGF चैप्टर 2 910 करोड़ के साथ। इनफैक्ट हिंदी के जो नंबर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, 398 करोड़ कर लिए, जस्ट शॉर्ट बाई 2 करोड़ इन हिंदी, जो आज हो ही जाएगा। बाहुबली का जो टोटल नंबर था वो 510 करोड़ था, वो तो नहीं टूटेगा, लेकिन 400 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के लिए। इंटरेस्टिंग चीज़ एक और भी है यहाँ पर कि जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है KGF की वो है 1090, यानी जस्ट शॉर्ट ऑफ 10 करोड़ ऑफ 1100 करोड़, और 1108 करोड़ टोटल RRR ने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस किया है। 1110 करोड़ के आसपास वो अपनी जो टोटल बिजनेस है उसको एंड करेगा होपफुली बॉक्स ऑफिस के ऊपर। तो संडे के एंड पे आपको ये खबर आएगी कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो भी क्रॉस हो चुकी हैं। सो KGF, चाहे वो ग्रॉस लेवल पे हो, नेट लेवल पे हो, चाहे वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे हो, RRR को पीछे डेफिनेटली छोड़ ही रहा है। कितने बड़े मार्जिन से छोड़ता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसको जो प्यार मिल रहा है वो मिलता ही चला जा रहा है, और जो एवरेज दिन की जो कलेक्शन हो रही हैं वो 9-10 करोड़ हो रही हैं, और सैटरडे संडे में स्पाइक आ जाता है। तो अभी लोगों का मन भरा नहीं है, इसकी रिपीट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, लोग रिपीट मोड पर इसको देख रहे हैं, एक एक दो बार देख रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी कि कितना इम्पैक्ट होता है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का जो ओपनिंग रहा है वो ज़बरदस्त रहा है और लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मूवी। इसका रिव्यू ऑलरेडी मैं अपने चैनल मूवी शूवी के ऊपर शेयर कर चुका हूँ, आप उसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर उसका लिंक में जाके उसको देख भी सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर द एग्जिबिटर्स, बहुत पैसा कमा रहे हैं आज की डेट में। टिकट के प्राइसेस अब कम हो जाने चाहिए यार, क्योंकि अगर आप 500-600 रुपये एक टिकट बेचेंगे और फिर आपके बिजनेसेस इतने मोटे मोटे हो रहे हैं तो इतना लालच ठीक नहीं है यार, ठीक है। थोड़ी इकोनॉमिकल कर दो टिकट, बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड दैट वे। आपको क्या लगता है, लोगों को इतना बड़ा बिजनेस करने के बाद थोड़ा सा पैसा कम कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। बाय बाय।